मन में असंख्य सामर्थ्यों का भंडार छुपा हुआ है। मन जीवन है, मन ही सिद्धियों का साधन है, मन ही भगवान है। मन का पूर्ण विकास ही एक दिन मनुष्य को अंतः सिद्धियों सामर्थ्यों का स्वामी बना देता है, पर उसके लिए गहन संयम, साधना और तपस्या के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। पुस्तक का नाम मानवीय क्षमता असीम अप्रत्याशित। अपनी उंगलियों से नापने पर 96 अंगुल के इस मनुष्य शरीर का वैसे तो प्रत्येक अवयव गणितीय आधार पर बना और अनुशासित है, पर जितना रहस्यपूर्ण यंत्र इसका मस्तिष्क है, संसार का कोई भी यंत्र ना तो इतना जटिल, रहस्यपूर्ण और समर्थ है। साधारणतया देखने में उसके मुख्य कार्य ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और संयोजनात्मक हैं। परंतु जब मस्तिष्क के रहस्यों की सूक्ष्म जानकारी प्राप्त करते हैं तो पता चलता है कि इन तीनों क्रियाओं को मस्तिष्क में इतना अधिक विकसित किया जा सकता है कि संसार के किसी भी एक स्थान में बैठे बैठे संपूर्ण ब्रह्मांड के किसी भी स्थान की चींटी से भी छोटी वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। किसी को कोई भी संदेश भेज सकते हैं, कोई भार वाली वस्तु को उठा कर ला सकते हैं, किसी को मूर्छित कर सकते हैं। संसार में जो कुछ भी है उस पर स्वामित्व और वशीकरण कर सकते हैं। अष्ट सिद्धियां और नव निधियां वस्तुतः मस्तिष्क के ही चमत्कार हैं, जिन्हें मानसिक एकाग्रता और ध्यान द्वारा भारतीय योगियों ने प्राप्त किया था। आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक जिसमें मानवीय मस्तिष्क की क्षमता, शक्ति और सामर्थ्य के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है। पुस्तक के कुछ अंश। वृहत मस्तिष्क सेरेब्रम ही वह स्थान है जहां शरीर के सब भागों से हजारों नस नाड़ियां आकर मिलती हैं। यही स्थान शरीर पर नियंत्रण रखता है, जबकि पिछला मस्तिष्क स्मृति शक्ति केंद्र है। अचेतन कार्यों के लिए यहीं से एक प्रकार के विद्युत प्रवाह आते रहते हैं। भारतीय योग दर्शन बताता है कि मनुष्य ब्रह्मचर्य और विभिन्न योग साधना द्वारा अपनी बौद्धिक क्षमता और सूक्ष्मता इतनी अधिक बढ़ा सकता है कि वह न केवल विलक्षण क्षमताओं और सिद्धियों का सहज ही स्वामी बन सकता है, वरन वह हर किसी के मन की बात जान सकता है। भूत और भविष्य को इस प्रकार जान सकता है मानो वह वर्तमान में आंखों के सम्मुख घटित हो रहा हो। यदि प्राणी को विपरीत अनभ्यस्त परिस्थिति में रहने को विवश होना पड़े तो वह अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए क्रमशः ऐसे परिवर्तन उत्पन्न कर लेता है, ऐसी विशेषता का उत्पादन कर लेता है जिसके आधार पर वह प्राण घातक समझी जाने वाली परिस्थितियों से भी तालमेल बिठा ले और अपना अस्तित्व कायम रख सके, सुविधापूर्वक निर्वाह कर सके। कमर दर्द के बारे में अब ऐसा ज्ञात हुआ है कि अधिकांश मामलों में इसका कारण भावनात्मक तनाव ही होता है। यह जान लेने पर भी भावनात्मक तनाव एवं विकृतियों से ही अधिकांश रोग पैदा होते हैं। यह प्रश्न अनेकों को कचोटता है कि भावनाओं पर नियंत्रण कैसे हो। जिस प्रकार शरीर में अनेक प्रकार के विकृत विषाणु प्रवेश करके विविध चिन्ह लक्षणों वाले रोग उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार मन क्षेत्र में कई तरह की विकृतियां अपनी जड़ जमा लेती हैं और परिपूर्व उन्माद ना सही उससे मिलते जुलते उतने ही विघातक, भयानक व मानसिक रोग उत्पन्न करती हैं। शरीर की तुलना में मन का मूल्य
हजारों गुना अधिक है। उसी प्रकार शरीर रोगों की तुलना में मानसिक रोगों की क्षति अत्यधिक है। शरीर रोगी रहे किंतु मस्तिष्क स्वस्थ हो तो मनुष्य अनेक मानसिक पुरुषार्थ कर सकता है, किंतु यदि मस्तिष्क विकृत हो जाए तो शरीर के पूर्ण स्वस्थ होने पर भी सब कुछ निरर्थक बन जाता है। पुस्तक के कुछ बिंदु। जीवन विद्युत का उद्गम स्रोत। जितना समझते हैं उससे अधिक समझें। मानवीय सामर्थ्य और प्रकृति से ही बृहत्तर शक्ति, अद्भुत चमत्कारी संकल्प शक्ति। पहले मन को संस्कारित कीजिए, मानसिक विक्षोभ से यूं ना टूटे जाइए। शरीर ही नहीं मन को भी स्वस्थ रखिए।